कौर। वालेकुम सलाम राबिया, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बस आपका इंतजार कर रहे थे। अरे मेरा क्या मतलब, इतने अभी आप शहजाद भाई का कह रही थी तो मेरा इंतजार कहाँ रहता? मतलब मैं इतनी देर से खड़ी हुई, आपको नजर नहीं आ रही थी, फिर मैंने सोचा कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं जल्दी से कर लूं। मुझे क्या पता था आप इतने सेंसिटिव हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं वरना आपका वेट कर लेती और भी ज्यादा। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुझे वो फेमस आपका डायलॉग सुनना है जो अभी कैमरा, शाम में जब कैमरा नहीं रोल हुआ था, हम दोनों बात कर रहे थे कि इस बार आप कोई शादी रुकवा रहे हैं, कोई शादी तोड़वा रहे हैं, या डायलॉग चेंज हुआ जो क्लासिक है, नहीं शादी नहीं हो सकती। हाँ। इस बार गौहर का जो कैरेक्टर है वो उसको ट्विस्ट दे रहा है। हाँ। क्या ट्विस्ट इस दफा? देखिए हम लोग हर इंटरव्यू में बोलते हैं ना कि ये स्टोरी बड़ी यूनिक है। अब मैं इस दफा बड़ा कोई नया कैरेक्टर कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो इस दफा मैं इस सवाल की बजाय कि ये शादी नहीं हो सकती की बजाय मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये शादी क्यों हो रही है। बहुत इंटरेस्टिंग डायनेमिक है बिकॉज ऑन द अदर साइड द माइस्ट्रो हिमसेल्फ शहजाद नवाज है और उनके साथ इतना मज़ा आ रहा है मुझे काम करके। ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क विद हिम, सो फाइनली गॉट द चांस। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हम लोग सिर्फ हंसते रहते हैं, जैसे कि आप देख भी रही हैं कि बिटवीन मी, शहजाद भाई एंड डैनी, हम तीनों बस चुगली लगा रहे होते हैं। वही यही थी, मैंने तो सुना है बस जुगतें चलती रहती हैं। हाँ हाँ। तो आप लोग एक्टिंग और काम किस वक्त कर रहे होते हैं? बस बिटवीन द जुगत्स हो ही जाता है कहीं ना कहीं काम। स्टार्ट कौन करता है? हु इज द स्टार्टर? स्टार्टर यूजुअली मैं और शहजाद भाई होते हैं क्योंकि डैनी जूनियर है ना जरा, ठीक है ना? तो वो जरा मैं लाइक जुगत में नहीं इतना अभी स्टार्ट करता, लेकिन ही रियली कंट्रीब्यूट्स और वो बड़ा अच्छा है। मतलब आप लोग उसको एक क्रैश कोर्स दे रहे हैं उनको ना, दानियाल को? नहीं वो खुद भी बड़ा अच्छा अच्छा, वी शुड नॉट अंडरएस्टिमेट हिम। नहीं नहीं, वो ही वाज टेलिंग अस कि ही इज लाइक, आप उसकी कंफर्ट जोन है आप दोनों, बिकॉज़ ही इज मिसिंग ऑल दैट यू नो लाहौर का वो चीज। तो आप लोग आते हैं तो उसको अच्छा यार कुछ फ्लेवर आ गया मेरे अपने। हां क्योंकि हम तीनों पंजाबी बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, पंजाबी में जुगतें चल रही होती हैं। सो वो उस लिहाज से बहुत मज़ेदार सेट है। सो हम लोग टेक बहुत से लोग कर रहे होते हैं, नाम नहीं ले सकता, तो काफ़ी लोग कर रहे थे, उनको पता भी नहीं होता हम उनकी टेक कर रहे हैं और हम लोग हंस हंस के बड़ा हाल हुआ होता है हमारा। आई एम ग्लैड आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस सेट। यस, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ देयर कन्वर्सेशन। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका जो कैरेक्टर है वो कॉमेडी भी करेगा या आपका भी सीरियस कैरेक्टर है? कॉमेडी इज doing by acha mummy like he's not trying too hard to do comedy in it. Okay. It's a very situational comedy and iske paas kuch is tarah ke jumle hain jo ki wo deliver bahut seriousness se kar raha hai magar wo hain funny. Okay. To zishan is the writer. Okay. To unhone likha ye bahut acha hai. तो उसके लिए वही होता है ना कि आप जो एक कॉमेडी हमारी चलती है ओवर द टॉप वाली, हूँ हाँ हूँ वाली, स्लैपस्टिक सी, वो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और पर स्लैपस्टिक वाले एक्ट्रेस भी आपको नहीं मिल रहे यहाँ पर, ना मैं हूँ स्लैपस्टिक वाला, ना शहजाद भाई है, ना डैनी, ना मावरा, ना तहसीन। तो वो बड़ा ही इतना सटल तरीके से हम लोग कॉमेडी प्ले कर रहे हैं, नॉट गोइंग ओवर द टॉप। सो वो बड़ा मज़ा आ रहा है। Okay. So theme is love marriage. Yes. Right. Yes. And the zalim samaj and the maa baap ki, you know, rebelling against their wishes and all that. So hum story reveal nahi karenge. And a very stereotypical thought. Iske upar ek bahut hi stereotypical thought hai, wo main nahi bataunga. Yeah. Theek hai na? Magar ek bahut social commentary bhi hai iske andar, very slight, a touch of it. So it's a very thought provoking drama as well at the same time. मुझे तो दो तीन themes इसमें running नजर आएंगे। हाँ हाँ, एक बहुत interesting theme है, वो मैं आपको off camera बताऊँगा। So later on if you want to talk about it, वो बहुत interesting angle है जो कि शायद इससे पहले मैंने तो नहीं देखा, अगर कहीं हुआ हो तो हुआ हो, मैंने नहीं at least देखा। So it is about marriage and arranged marriage and love marriage and you know all that. And I think it's a very relevant theme, जैसे हमारी society evolve कर रही है और you know youngsters are making more their decisions on their own. Yeah. So it's something jiske liye I think conversation hona zaruri hai. Yeah, exactly, yeah. Exactly, I believe in that. Aur ek freedom of taking decisions and freedom of making mistakes. That's so true. Yes. Ye hum nahi allow karte na. Ha, ye hum allow nahi karte. Allow nahi karte. Mere mujhe lagta hai ki badon ka, doston ka, mere dost bhi kabhi kabhar bade authoritative ho jate hain. ठीक है ना, जजमेंटल भी हो जाते हैं। दोस्तों का काम ये नहीं है कि आप जजमेंटल हो, दोस्तों का काम है कि बस समझा दें, ठीक है ना,
एंड लेट देम मेक देयर ओन मिस्टेक्स. एज अ फ्रेंड मैं अपने सारे दोस्तों को कहता हूँ कि यार मैंने आपको समझा दिया, स्टिल इफ यू वॉन्ट गो हैड एंड डू इट, do it, I'll be there for you to hold it. That's so true. Be yeah. there for them. Let them make the mistake. Facilitate their decision. मुझे भी ये लगता है, you know, ताकि वो जख्मी नहीं हो, but सीख जाएं. हाँ, सीख जाएं. What's love for you? अब love marriage की बात हो रही है, तो ये तो पूछना ज़रूरी है ना? Yeah, love. ये बड़ी कोई करण जौहर फिल्म वाला सवाल है. आप करण जौहर फिल्म वाला जवाब भी दे दें, मैं expect भी यही कर रही हूँ. जितना भी जितना हमने फिल्मी बनाया है ना, ठीक है ना, अगर हम इसको जरा प्रैक्टिकल तरीके से एनालाइज करें, I'll be really honest. After few years, ठीक है ना, of marriage or being in a relationship, most of the times, I'm not generalizing it, but in most of the cases, love goes out of the window. ठीक है ना, practicality, responsibilities, ठीक है ना, and then individual baggages, deal with a lot of things. ठीक है ना, the most important two pillars, I think. Number one, respect. Mutual respect होना बहुत ज़रूरी है. And number two, yes, friendship. अगर तो दोस्ती है ना आपकी, आप सारी जिंदगी अपना रिलेशनशिप इंजॉय करें. अगर तो वो एक कन्वेंशनल, वो एक मतलब कि फिल्मी लव है ना, उसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी अनरियलिस्टिक हैं, ठीक है ना, कि वो फिल्मों में अच्छी लगती हैं, वो रियल लाइफ में कम होती हैं, ठीक है ना, लेकिन आप इतना प्रैक्टिकल लेके चल नहीं सकते. सो जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो यही है कि दोस्ती में ही अगर आपको मोहब्बत मिल जाए तो उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ नहीं है मेरी नज़र में. ठीक है, मुझे ये लगता है कि अगर दोस्ती, रिस्पेक्ट और प्यार, ये तीनों चीज़ें मिल जाएँ तो लाइफ झंगा लाला. मुझे लगता है दोस्ती लव दोस्ती में चेंज भी हो जाता है, या दोस्ती लव में चेंज जाती है, एंड दे गो साइड बाय साइड. या यू सो राइट, एग्जैक्टली, वी डू इवॉल्व. या एंड आल्सो आई थिंक लव आफ्टर अ व्हाइल डजंट स्टे रियलिस्टिक. आपको लॉन्गजीविटी देखनी है चीज की, ठीक है ना, कि लाइक यार मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मुझे ये होता है कि यार विद माई पार्टनर आई कैन ईजिली टॉक टू हर, ठीक है ना, मैं उसके साथ हर किस्म की बात कर सकूँ. यूजुअली जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं ना, तो आपको बहुत सारी बातें छुपानी पड़ती हैं, which we call white lies. जो कि बड़ा स्टूपिड कॉन्सेप्ट है कि यार हाँ हर रिलेशनशिप में वाइट लाइज तो होती हैं. अ लाई इज़ अ लाई, इज दैट सिंपल, ठीक है ना. So, मुझे होता है कि यार आई वांट टू बी ट्रांसपेरेंट. सीरियसली, आई थिंक ऑनेस्टी हैज टू बी पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप. और वो ऑनेस्टी सिर्फ तब आएगी जब आपकी रिस्पेक्ट होगी. दैट्स ट्रू. अगर मैं अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करता हूँ ना, और मुझे इस पर ट्रस्ट है और मेरी दोस्ती है, तो शी बीइंग माय फ्रेंड, शी विल अंडरस्टैंड कि अच्छा यार ही इज बीइंग ऑनेस्ट टू मी. और ये बहुत ऑकवर्ड टफ कन्वर्सेशंस भी होती हैं, तो जब वो होता है ना वो फिल्मी लव वाला, तो उसमें यू कांट हैव टफ कन्वर्सेशंस. एंड a big part of any relationship is having those awkward and tough conversations, kyunki wahi se aapka relationship evolve hota hai. God damn it, mujhe matlab ke relationship advisor hona chahiye, hona chahiye tha aapko, ek podcast karni chahiye. ha mujhe ye lag raha hai waise main itna acha bol raha hu, pakistani desi expert on love, you know, ye missing hai hamari podcast, to bahut si ho rahi hai na podcast. ab to it put to a podcast, ab aapko hum bahut jald dekhenge bahut ki podcast hum dekhenge jald. but thank you so much for your time. thank you Rabia, as always a pleasure. वी थॉट एक छोटी सी ड्रामे के बारे में गुफ्तगू करते हैं, और हमने बड़ी अच्छी आपने बात की. आई लव व्हाट यू सेड अबाउट लव. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, जो नई जनरेशन जो लोग सुन रहे हैं ना, तो थोड़ी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए ऐसी भी. एग्जैक्टली, वही मैं कह रहा हूँ कि अभी आहिस्ता आहिस्ता ना, व्हाट आई फील द मोर आई एम डीलिंग विद द न्यू जनरेशन, एंड यू नो, और जिस तरीके से जनरेशन चेंज, पहले आप पता नहीं जेन जी थे, तो अब पता नहीं क्या हो गया है, मुझे नाम भी भूल जाते हैं, तो इतनी तेजी जनरेशन चेंज हो रही है. सो अब जब भी मेरी बात होती है ना, यानी कि मेरे लाइक छोटे कजन्स वगैरह से, सो आई एम लाइक कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लव फॉर देम काफ़ी ऑब्सोलीट होता जा रहा है. बहुत शॉर्ट टर्म, टेम्पररी एंड वेरी कमर्शियल. सॉरी, मुझे ऐसा लगता है. एंड दैट्स व्हाई पीपल आस्क मी, बट आई से इट इज इंपॉर्टेंट टू
हैव दीज कॉन्वर्सेशंस ताकि शायद किसी को 20% नजर आ जाए, हम अपनी तरफ से वो तो करें जो हम रिटेन करने के लिए अपनी चीजों को कर सकते हैं. एग्जैक्टली, हां एग्जैक्टली, वी डू आवर पार्ट. सो आई थिंक द फेथ हैज टू बी रिस्टोर्ड इन लव.